फिर से आपका हमारे चैनल में खुशामदीद। मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रामलखन सिंह यादव कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो कोर पेपर वन है, दैट इज CNC++, उसका जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एंड रंचिंग। तो आज उस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा एलसीफ लैडर क्या होता है और नेस्टेड इफ क्या होता है। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज एल्स इफ लैडर क्या होता है, एल्स इफ लैडर, और दूसरा हम लोग क्या कवर करेंगे, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ देखें, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम क्या हो रहा है, एडवांस होते जा रहा है। अब तक हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग में दो पढ़ा था, एक इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट और एक हमने क्या पढ़ा था, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ में क्या था, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं था, सिर्फ इफ में जो सही था वो एग्जीक्यूट करता। और इफ एल्स में क्या था, एक ट्रू के लिए था, एक फॉल्स के लिए था। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशन हो, ठीक है, और एक से ज़्यादा कंडीशन होने के बाद हो सकता है सारे कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेकिन बाद वाला जो सबसे बाद का है वो कंडीशन ट्रू हो जाए, वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। तो वैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो है, एल्स इफ लैडर है और एक नेस्टेड इफ है, ठीक है। दोनों से हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, लेकिन दोनों का सिंटैक्स कुछ अलग है और लिखने का वे भी अलग है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले आपको हम बताते हैं एल्स इफ लैडर में हम लोग कैसे लिखेंगे प्रोग्राम। सबसे पहले दिखाते हैं आपको सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। ये सिंटैक्स देखें, इफ लिखेंगे, इफ के बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन डालेंगे, ठीक है। अभी प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो आप देख लेंगे कंडीशन किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये कब करेगा, जब ये सही होता है तब, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन डाल देते हैं एल्स इफ लिख के, कंडीशन देखें, जब आप एल्स इफ लिखेंगे तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, एल्स और इफ के बीच में गैप होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टेटमेंट डाल देंगे, फिर यहाँ क्लोज, फिर यहाँ पे एल्स इफ करेंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे, उसके बाद जितना आप चाहे डाल सकते हैं, फाइनली क्या डालेंगे, एल्स डालेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमारा कितना कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर थ्री, यानी इस प्रोग्राम में हम कंडीशन थ्री तक चेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन अगर आपके पास प्रोग्राम में जो है एन कंडीशन है, थ्री से ज़्यादा, फोर से ज़्यादा, टेन से ज़्यादा, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे आपके आपको बहुत सारे कंडीशंस देने होंगे, तो वहाँ पे आप ये चीज़ लगा सकते हैं। ये वाला जो एल्स इफ है ये एन तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सही हुआ तो यहाँ जाएगा, ये फॉल्स हुआ तो इसको चेक करेगा, ये सही हुआ तो ये यहाँ जाएगा, अगर ये भी नहीं सही हुआ तो फिर यहाँ चेक करेगा। यानी ये तीनों अगर कंडीशन नहीं सही हुआ तो फाइनली एल्स में आना ही है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा। और अगर ये कंडीशन सही हो जाएगा, पहला कंडीशन सही हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ये टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर, बिल्कुल बाहर चला जाएगा, फिर ये सब में नहीं जाएगा। या मान ले अगर ये वाला कंडीशन सही होता तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। एट ए टाइम को एक ही कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब आप किस टाइप से कंडीशन लगा रहे हैं, अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोग्राम से समझते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आप सिंटैक्स आपने देख लिया, अब इसको हम एक प्रोग्राम से दिखाते हैं आपको। प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि तीन नंबर में सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं void से, void main int a b c, ओके। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं मैसेज, प्रिंट एफ इंटर थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स, राइट। स्कैन एफ परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, एम परसन ए, एम परसन बी, एम परसन सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कंडीशन, इफ ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, ठीक है, दोनों कंडीशन चेक कर रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद यहाँ क्या करें, प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। और अगर ये नहीं सही हुआ तो क्या होगा, फिर से कंडीशन एल्स इफ, अगर ए बड़ा है, सॉरी, अगर यहाँ क्या होगा, बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, तो क्या करेगा यहाँ पे,
प्रिंट एफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर ये भी सही नहीं हुआ तो एल्स इफ चेक करेगा, अगर सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से तो क्या करेगा यहाँ पे, प्रिंट एफ थर्ड नंबर इज, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, राइट। उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन फेल हो गया तो क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट एफ ऑल नंबर्स आर इक्वल, सारे नंबर बराबर है, गेट सी एस दे के प्रोग्राम बंद कर दिए और ये हो गया प्रोग्राम। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम हुआ इफ एल्सिफ लैडर का। आप देखें यहाँ पे एल्सिफ, एल्सिफ हम यहाँ यूज करें, इसी को हम कहते हैं एल्सिफ लैडर, ठीक है। तो मान लें आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, इंटर थ्री नंबर्स प्रिंट करेगा, आप डालेंगे नंबर 4, 6, 10, ठीक है। तो आपका कौन सा नंबर बड़ा हो गया, थर्ड नंबर वाला, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये सही होगा, तो प्रिंट क्या करेगा, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर हम डालें 9, 10 और यहाँ पे 5 तो कौन सा प्रिंट करेगा, सेकंड नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लें आप डाल दिए 5, 5, 5, तीनों में 5 डाल दिए तो ये तीनों कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। तो याद रहे एल्स पार्ट में कब जाता है, जब सारे कंडीशंस उसके ऊपर वाले कंडीशन जब फेल हो जाते हैं, ठीक है, फॉल्स हो जाते हैं, तो फिर एल्स वाले पार्ट में जाता है। इस तरीके से हम जितने भी कंडीशन वाला प्रोग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं एल्स इफ लैडर कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम नेस्टेड इफ की तरफ बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ क्या होता है इसको भी देख लें हम, लास्ट है ये इफ, इफ एल्स का लास्ट है ये नेस्टेड इफ। इसमें क्या करेंगे, सिंटैक्स इसका देख लें आप, इफ कंडीशन, उसके बाद फिर यहाँ पे इफ कंडीशन, कंडीशन राइट, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे एल्स लगा दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये इसका बंद हो गया, फिर यहाँ पे एल्स आया, यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। अब देखें आप इफ नेस्टेड इफ में, इफ के अंदर इफ हमने दो ही दिया, आप एन तक ले जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कंडीशन में, यानी ये वाला स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये भी कंडीशन सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट दोनों कंडीशन पे डिपेंड है कि दोनों जब सही होगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर मान लें ये सही हुआ और ये गलत हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट ना करके कहाँ जाएगा, ये एल्स वाले में जाएगा, चूंकि ये वाला एल्स जो है ये इसका पार्ट है। आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके देखें, ये वाला पार्ट जो है इसका एल्स पार्ट यहाँ पे जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मान लें अगर यही गलत हो गया, पहला ही कंडीशन हमारा अगर गलत हो गया तो ये एंट्री नहीं करेगा, ये कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में कब जाता है, जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है। आप बार बार मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, जिनको प्रोग्रामिंग अभी नहीं समझ में आ रही वो ध्यान से देखें कि अगर इफ वाला पार्ट जो इफ कंडीशन सही नहीं होगा तो वो एल्स वाले पार्ट में चला जाता है, ठीक है। और अगर इफ वाला सही होगा तो एल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा, वो इफ वाला जो स्टेटमेंट है उसी को एग्जीक्यूट करके वो प्रोग्राम जो है टर्मिनेट करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आप देख लें। अब इसको हम एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, इसके एक एग्जांपल बना के सेम क्वेश्चन करते हैं, तीन नंबर में बड़ा कौन है, लेकिन हम करेंगे इस बार नेस्टेड इफ से करेंगे, ठीक है। तो ये तीन नंबर ले लिए यहाँ से, यहाँ चेक करते हैं, इफ अगर ए बड़ा है बी से तो अंदर जाओ, इफ ए बड़ा है सी से तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट एफ ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट, ये हो गया। लेकिन अगर ये वाला गलत हो गया तो कौन सा बड़ा होगा, बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट। अब आप सोच रहे हैं सी कहाँ से आ गया बीच में, सी इज ग्रेटेस्ट क्यों नहीं आएगा, आप देखें ए और सी से कंपेयर हो रहा है, तो अगर ए सही तो गलत कौन होगा, सी ही ना गलत होगा, तो ए सही होगा तो यहाँ आ जाएगा, वरना अगर फॉल्स हो जाएगा तो सी बड़ा होगा। लेकिन मान लें यही वाला गलत हो गया, ए ही गलत हो गया, पहला कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गया, यानी ए बी से बड़ा नहीं हुआ, तो ये एंट्री करेगा ही नहीं, ये कहाँ जाएगा अपने, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। ये यहाँ क्लोज खुला तो यहाँ बंद कर दिए, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। एल्स में आप फिर से चेक कर सकते हैं किसको, अब यहाँ देखें, ध्यान से देखें, ए बी से बड़ा नहीं है, मान लें नहीं है, तो फिर कौन सा एक नंबर बच जा रहा है यहाँ पे, सी बच जा। अच्छा यहाँ पहले देखें, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बड़ा कौन हुआ, बी बड़ा हुआ, ठीक है। B बड़ा हो गया तो डायरेक्टली हम यहाँ नहीं लिख सकते बी बड़ा, चूंकि एक और नंबर हमारे पास C है, तो B को चेक कर देंगे C से,
इस केस में तो बी बड़ा हो ही गया, यहाँ चेक करेंगे अगर बी सी से भी बड़ा है तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट एफ बी इज ग्रेटेस्ट, बी इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये सही हो के आया लेकिन ये गलत हो गया तो इस केस में क्या होगा, कौन सा बड़ा हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट, सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो गेट्स, ये देखिए प्रोग्राम जो यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ बंद हो गया, ध्यान रहे। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ, आप देखें ध्यान से देखें, अगर ये कंडीशन यहाँ सही होगा तभी यहाँ जाएगा, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला सही होगा लेकिन ये वाला फॉल्स हो जाएगा तो ये कहाँ एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आप ध्यान रखें ये वाला एक ही लाइन में लिख, इसको नीचे लाइन में लिख देंगे, ठीक है, एल्स के नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर यही फॉल्स हो जा रहा तो ये एल्स में गया और एल्स में फिर यहाँ कंडीशन चेक की बी सी से बड़ा है, तो अगर ये सही होगा तो ये वाला प्रिंट करेगा वरना ये प्रिंट कर जाएगा। आप इसको रन करके देखें, ज़रूर आपको प्रोग्राम रन कर जाएगा, और रन करने के बाद आप हमें ज़रूर बताएं कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा, उसको प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करते जाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे स्विच केस के साथ। थैंक यू वेरी मच।